नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में वृद्ध गौ संरक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने भारी बारिश के बीच बिदरकुटी स्थित आश्रम और छाछरी मोड़ स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। मौजूद कर्मचारियों को गौशाला संबंधित निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गाय को किसी भी तरह की चारे कमी ना हो, इसके लिए नगर पालिका द्वारा चारे की व्यवस्था कराई जाए, साथ ही ठंड के मौसम में गायों को दिक्कत ना हो, इसके लिए उचित व्यवस्था करी जाए। डीएम ने पशु विभाग के डॉक्टर को मौके पर बुलाकर समय समय पर गायों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए भी निर्देश दिए और जानकारी देते हुए बताया, ये ऐसा है कि हमारी सबसे रिमोट की गौशाला है। यहाँ करीब 400 के आसपास पशु हैं हमारे, जिनको ये देखने की आए थे कि हाँ वास्तव में पशुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, उनको खाने पीने की चारा है, पानी है, और उनके किनारे जो शेड बने हुए उनके किनारे हवा से रोकने के लिए पॉलिथीन लगाई गई या नहीं लगाई गई, बाहर तो जानवर नहीं घूम रहे हैं, पानी में तो नहीं है जानवर, कोई फंसे तो नहीं है, इसीलिए एकाएक आकर के देखा गया तो यहाँ व्यवस्था ठीक पाई गई है। इसको और बेहतर कैसे किया जाए, जानवरों को और कैसे पौष्टिक आहार मिले और वो स्वस्थ रहें और उनको कोई असुविधा न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वही पिछले दिनों 2-3 दिनों से बड़ी ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बिदरकुटी स्थित वृद्धा आश्रम का निरीक्षण करते हुए सभी वृद्धाओं को कंबल वितरित किए और उनका हालचाल जाना। सर्दी के मौसम में किसी भी वृद्धा को दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने बिदरकुटी आश्रम के मैनेजमेंट को निर्देश दिए। और इसी के साथ जुड़े रहें बंधन समाचार के साथ।